त्योहारों पर अक्सर मिठाई तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन सिंपल सी मिठाई को जब आप कुछ इस तरीके से बनाकर सर्व करेंगे तो सब पूछेंगे कैसे बनाया, और आटे से बनाएंगे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, लेरदार, क्रिस्पी, खस्ता, मुंह में घुल जाने वाली ऐसी मिठाई बनती है। एक बार बनाकर कई दिनों तक खा सकते हैं, तो वीडियो तो आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दूध मैंने पकाकर ऐसे रबड़ी के जैसा बनाकर तैयार कर दिया। लगभग 300 ml के आसपास दूध था, थोड़ा सा ऐसे थिक किया। उसके बाद नारियल का पाउडर डाल देंगे, डेस्टिकेटेड कोकोनट पाउडर, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मिक्स ऐसे। अब कुछ सेकंड के लिए मिक्स करके ऐसे पकाएंगे गैस की फ्लेम मीडियम करके। जैसे ही नारियल दूध के अंदर ऐसे पकेगा रबड़ी के अंदर, तो ये एक मावे की अच्छी सी फिलिंग तैयार हो जाएगी। 1 से 2 चम्मच चीनी डाल देंगे, क्योंकि बाद में भी हम इसको अलग तरीके से बनाने वाले हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप और भी डाल सकते हैं, तो हल्का मीठा इसमें रखेंगे और अच्छी मिठाई बनती है। तो 1 चम्मच चीनी मैंने पहले डाल दी थी और ये थोड़ी थिक रबड़ी सी मतलब मावा बन गया हमारा। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको ठंडा कर लेंगे। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं दूसरी। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1/2 कप यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। तो दोनों चीज़ आप चाहे तो बराबर भी ले सकते हैं, या फिर 1/2 गेहूं का आटा और मैदा ऐसे मिक्स करें, एकदम अच्छा बनेगा, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता भी बनता है। 2 पिंच यहाँ पर नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे। तो मीठी चीज़ में जब हम थोड़ा सा ऐसे 1 पिंच 2 पिंच नमक डालते हैं ना, तो अच्छा बनता है। तो थोड़ा सा मैं निकाल लेती हूँ साइड में, 2 भाग अलग और मतलब थोड़ा सा रखेंगे। अब 2 चम्मच घी डालकर ऐसे मिक्स करेंगे इसके अंदर। तो आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे 1 से 2 चम्मच, तो इसमें ज़्यादा भी नहीं, हल्की सी बाइंडिंग आएगी। उसके बाद नॉर्मल पानी से इसका हम मीडियम सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आटा बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखेंगे, थोड़ा मीडियम सॉफ्ट ही रखेंगे। आटे को थोड़ा सा गूंथ कर आप सेट कर लें। उसके बाद आटे को ढक कर रखते दूसरी तरफ। तो यहाँ पर आटा हमारा देख सकते हैं ऐसा तैयार है। अब इसके बाद दूसरा तैयार कर लेंगे, जो आटा हमने निकाला था ना उसके अंदर यहाँ पर 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे। तो घी को मैंने मेल्ट करके लिया, आप चाहे तो देखिए 1/2 घी या 1/2 मतलब ऑयल मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी आप ज़रूर डालना, इसका टेस्ट अच्छा लगता है, ऑयल में इतना अच्छा नहीं बनता। तो ये डो हम ऐसे ही तैयार करेंगे। 1 से 2 चम्मच मैंने और डाल दिया आटा। तो ये हमारा मतलब बिना पानी का आटा तैयार है, खाली घी से ही हमने ऐसे तैयार कर लिया, 2 मतलब पेड़े से तैयार किए। और जो आटा सिंपल तैयार किया था इसके हम 2 भाग डिवाइड करेंगे। तो आटा देख सकते हैं एकदम स्मूथ अच्छा है, तो ऐसा ही तैयार करना है। अब सरफेस पर रखकर बड़े से साइज में बेल लेंगे, एक पेड़ा सा बनाएंगे रोटी के जैसे इसको। और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, इस तरीके से आप बनाकर देखना, एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा बनेगा। तो ऐसे इसको बेल कर तैयार करना है, और कितना वो भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखेंगे, क्या गलती आपको नहीं करनी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर बस थोड़ा ऐसे ही बेलना है नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि आपको राउंड में या कुछ। अब जो हमने तैयार किया था ना ऐसे दूसरे वाला डो, जिसको हमने घी से तैयार किया था, उसको बीच में रखकर सेट करेंगे, हल्का सा दबाकर ऐसे फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से। तो दबाकर ऐसे सेट करें, उसके बाद ऐसे आप चाहे तो 2-4 मिनट छोड़ भी सकते हैं, या फिर तुरंत ऐसे बना लें। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना, पहले हाथ से हल्के हाथ से दबाना है, ताकि इसके अंदर जो हमने डो तैयार किया था डाला था वो अच्छे से सेट हो, पूरी में अच्छे से लेयर बने। हल्के हाथ से बेलन से इसको दबाते हुए बेलना है। तो यहाँ पर एकदम थोड़ा स्पीड में नहीं, आराम से आपको ऐसे बेल कर तैयार कर लेना है। तो कितना बेलना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ पतला नहीं करना, क्योंकि जो हमने अंदर ऐसे दूसरे आटे की लेयर बनाकर डाली है ना, वो बाहर ना निकले, बस आपको यही ध्यान देना है, अच्छे से थोड़ा सा ठीक सा बेल लेना है। तो ऐसे बेलने के बाद आपको साइड से फोल्ड करना है। तो ऐसे हम दोनों तरफ से इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, थोड़ा हाथ से दबाए सेट करें, फिर थोड़ा सा बेलन से बड़े साइज में आप ऐसे बेल लें। और यहाँ पर भी एकदम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, आप दोनों तरफ अलट पलट कर हल्के हाथ से आप बेल कर तैयार कर लें, जितना इसको लगे आपको बेलना है उस हिसाब से, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं। अब ऐसे रोल करेंगे किनारे की तरफ से और ऐसे टाइट रोल करते हुए सेट करेंगे, तो ये हमारा रोल तैयार हो जाएगा। इसी से खूब सारी लेयर और परतें बनती है। अब इसके बाद यहाँ पर हम कट करेंगे, तो चाकू से ऐसे पतले साइज में कट करेंगे, बड़े साइज में नहीं, बिल्कुल पतली पतली साइज में लेयर हम बनाएंगे। तो ऐसे थोड़ा सा आराम से कट करें, जब आप देखेंगे ना तो इसके अंदर खूब सारी लेयर आपको दिखाई देगी। इस ट्रिक से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है।
पास से मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी सारी परतें बनती है। इसी से क्रिस्पी और खस्ता और स्वादिष्ट भी बनता है, और ये बिल्कुल आसान सा तरीका। ऐसे आप बहुत अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो वैसे हम जो आटा में घी मिक्स करके हम एक साटा सा बनाते हैं, उस तरीके से बनाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मतलब ये अच्छा बनता है और बनाने में दिक्कत भी नहीं आती। ऐसे ही आपको तैयार कर लेना। बाकी जो बच रहा है उसको भी थोड़ा सा हाथ से सेट करें और बेलन से ऐसे फेल लें, थोड़े बड़े साइज में पहले हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, लेयर थोड़ी सी खुलने लगती है, हल्के हाथ से आपको बेलना है, ज़्यादा बड़े साइज में भी नहीं। तो देखिए इसे आप बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा एक तरीका दिखा देती हूँ। किनारे की तरफ से थोड़ा सा दबाए दो, मतलब पूरी सी हमने बना ली। अब जो मावे की फिलिंग है उसको बीच में रखेंगे और ऐसे रख देंगे दूसरी को। आप चाहे तो देखिए किनारे की तरफ पानी थोड़ा लगा ही लें, वरना बाद में खुलने का भी डर रहता है। तो ऐसे आप फ्राई कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ में पानी लगाएंगे तो खुलेगा नहीं। अच्छे से सेट करें, उसके बाद ऊपर से भी थोड़ा सा पानी लगाए और ऐसे दबाते हुए किनारे मतलब फोल्ड करते हुए जाएंगे। पहले अंगूठे से ऊपर दबाए फिर नीचे ऐसे फोल्ड कर दे, तो किनारे की तरफ से ऐसे पूरे में फोल्ड कर दे और ये बिल्कुल आसानी से बन जाता है। जैसे हम चंद्रकला बनाते हैं कुछ ऐसे ही ये तैयार हो जाता है। अब दूसरा तरीका आपको बता देती हूँ। तो सेम ऐसे आपको बेल लेना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, थोड़ा इस टाइप का। तो मैंने देखी थोड़े छोटे साइज में रखा है ना, इसमें आप थोड़े से मतलब बड़े साइज में भी कर सकते थे। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो फिलिंग है ना मावे की उसको रखेंगे और ऐसे हम थोड़ा सा लंबाई में सेट करेंगे और किनारे की तरफ ऐसे पानी लगा देंगे हल्का सा, और ऐसे उठाते हुए रोल करते जाएंगे। तो ऐसे रोल करते हुए सेट करेंगे दोनों किनारों पर, ऐसे दबाकर रोल कर दें हल्का सा किनारे की तरफ सेट करें ताकि बाद में फिलिंग निकले नहीं। ऐसे आप तैयार कर लें। आप चाहे तो ऐसे फोक की मदद से थोड़ा सा दबा सकते हैं किनारे की तरफ से, जिससे थोड़ा सेट भी हो जाता है और अच्छा सा भी लगता है। तो बस ऐसे ही आपको सभी को तैयार कर लेना है। और आप चाहे तो देखिए थोड़े से और बड़े साइज में भी कट कर सकते थे, मतलब बना सकते थे। तो इसमें आप एक नहीं बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं। ये छोटे छोटे साइज के एकदम रोल से बनकर तैयार हो जाते हैं और बाद में इसमें देखना कितनी सारी लेयर बनेगी, थोड़े साइज में बड़े भी हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही आपको तैयार कर लेना है और बिल्कुल आसानी से बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए सभी को मैंने तैयार कर लिया। यहाँ पर तेल मैंने पहले से ही देखिए गर्म कर लिया। आप चाहे छोटे या बड़े साइज में ऐसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक एक करके डाल दे जितना भी इसके अंदर आए। और यहाँ पर गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है, तेल मतलब बहुत ज़्यादा खोलता हुआ गर्म नहीं होना चाहिए, कम गर्म तेल में ही इसे फ्राई करना, जिससे इसकी लेयर एकदम अच्छी बनेगी। मतलब कुछ देर मीडियम रखे, जैसे ही ये थोड़ा सा पकना शुरू हो ना, एकदम लेयर सी दिखाई दे, तब गैस की फ्लेम को थोड़ा और कम करें। उसके बाद साइड इधर उधर करके ऐसे आपको पकाना है, जिससे इसमें लेयर भी खुलती है और अच्छे से पकता भी है। तो एकदम जल्दी से कलर नहीं आना चाहिए जब आप ऐसे बना रहे हैं ना, तो अच्छे से आराम से पके, उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी और लाइट कलर में एकदम अच्छे बनते हैं। ऐसे आप तैयार करना। तो बीच बीच में मिक्स करते हुए गैस की फ्लेम को मीडियम और लो करके ऐसे क्रिस्पी होने के बाद आप निकाल लें और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी अच्छे बन जाते हैं। खूब सारी परतें आपको दिखाई दे रही होगी, अभी निकाल लेते हैं इसके अंदर से। कुछ देर छन्नी के अंदर रखे या टिश्यू पेपर पर रखे, ऑयल एक्स्ट्रा अच्छे से निकल जाता है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खूब सारी परतें देखिए बनी है, एकदम खस्ता भी है। तो अभी एकदम क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खस्ता भी है। तो मैंने बाकी को भी देखी फ्राई कर लिया और एकदम अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर रखा है, जिससे ये थोड़ा सा बाद में और अच्छा सा हो जाएगा। तो ऐसे भी देखिए आप तैयार करके खा सकते हैं। तो हल्की सी फिलिंग आपको दिख रही होगी किसी किसी में निकली है, लेकिन वो बाहर नहीं निकली, बस हल्की सी आपको दिख रही होगी। ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अच्छा सा भी दिखाई देता है, खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। और ये जो हम चंद्रकला बनाते हैं ना सिंपल तरीके से, तो ये क्रिस्पी लेयरदार चंद्रकला ऐसे भी आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा देखिए अच्छी बनी है ना। अब इसके लिए फटाफट एक चाशनी तैयार कर लेते हैं। हाफ कप मैंने चीनी, हाफ कप पानी, थोड़ा सा इलायची पाउडर, उसके बाद चाहे तो केसर या फूड कलर चाहे तो डाल सकते हैं। थोड़े से केसर के धागे मैंने डाले, बस ऐसे ही पका ले। 3 से 4 मिनट में ये चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। थोड़ी सी चिपचिपी मतलब चाहिए, एक तार की नहीं, शहद के जैसी थोड़ी मोटी सी तार बनने से मतलब पहले वाली चाशनी आपको तैयार करनी है। अब गरम चाशनी हम डाल देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपकी गरम होनी चाहिए, या तो आप पहले इसे चाशनी बनाकर रखें, तुरंत चाशनी के अंदर भी डाल सकते हैं, या फिर ऊपर से ऐसे चाशनी डालें, इससे भी एकदम जूसी रस भरे अच्छे बन जाते हैं। एक्स्ट्रा चाशनी नीचे चली जाती है, उसको आप फिर से डाल सकते हैं।
और ये और ज्यादा क्रिस्पी एकदम अच्छे से बन जाते हैं, जैसे चाशनी को ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, कुछ देर आप रख देंगे ना, ऊपर से ड्राई फ्रूट वगैरह ऐसे आप डालकर मतलब तैयार कर सकते हैं, और भी ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ देर के लिए मैंने रख दिया था, एकदम थोड़े से ड्राई से दिख रहे होंगे आपको, लेकिन एकदम क्रिस्पी, खस्ता और लेरदार बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। देखेंगे नीचे की तरफ से भी डिजाइन और ऊपर से भी, तो ऐसे आप किसी भी त्यौहार फेस्टिवल पर बना सकते हैं। तो सिंपल तरीके से हर बार वही चीज़ बनाते हैं, तो उसी को आप कुछ अलग रूप देकर ऐसे तैयार कर सकते हैं, और आपने ट्राई भी नहीं किया होगा। तो यहाँ पर अभी मैं दिखा देती हूँ तोड़कर, जो देखिए मैंने चंद्रकला के जैसी बनाई थी ना, वो भी एकदम मतलब क्रिस्पी है और खस्ता और एकदम अच्छी बनती है। मावे की ऐसे नारियल की फिलिंग आप तैयार कर सकते हैं थोड़ी सी रबड़ी बनाकर, तो ऐसे आप बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगती है। और जैसे ही इस मिठाई को 1 से 2 दिन छोड़ देंगे ना, उसके बाद और भी ज़्यादा क्रिस्पी, खस्ता, एकदम मुंह में घुल जाने वाली बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई बन जाती है। आप ऐसे बाहर रख कर भी 1 वीक के लिए आराम से खा सकते हैं, या फ्रिज में रखेंगे तो 15 से 20 दिन, महीने तक भी खा सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, आप बनाएंगे तुरंत ही ख़त्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेरदार एकदम क्रिस्पी। तो ये हमारी एक तरीके की क्रिस्पी, खस्ता, लेरदार मिठाई, कुछ अलग तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके फीडबैक जरूर दें कि आपको ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। आप ट्राई करना, बहुत ही आसान सा तरीका है। चलिए जल्द मिलेंगे और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।